तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों आज मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा अपनी कैमो बिग कैट स्प्रिंगर एयर राइफल का। हाँ जी दोस्तों, ये असली गन नहीं है, ये एक एयर गन है जिसको इंडिया में रखने के लिए यूज करने के लिए किसी भी टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स मूवी मेकिंग डेकोरेशन फोटोशूटिंग सब काम में ली जाती है। ये एयर गन या ऐसी कोई भी एयर गन आपने ऑल ओवर इंडिया बाय करनी है तो आप हमें व्हाट्सअप करके या फिर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 days एंड कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दोस्तों मैंने बहुत सारी इंडियन इंपोर्टेड एयरगन चलाई हैं, पर गैमो बिग कैट मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एयरगन है। क्या रीजंस हैं आज क्विक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ये एयरगन लेने का सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स की वजह से आपको पता लग जाएगा कि एयरगन आपके लिए है या नहीं है। सबसे पहली चीज दोस्तों, बहुत ही बेसिक एयरगन है, ब्रेक बैरल डिजाइन आता है, ठीक है। स्प्रिंगर एयर राइफल है, नाइट्रो पिस्टन भी नहीं है, और मेरे को स्प्रिंगर अच्छी लगती है, कईयों को नाइट्रो पिस्टन अच्छा लग सकता है। दोस्तों ब्लूइंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्लूइंग है और मेड इन स्पेन एयरगन है गैमो। दुनिया की हर कोने में ये बिकती है, मेड इन स्पेन एयरगन, कोई रीजन है इसकी वजह से ही इतनी फेमस है सारी दुनिया में। दोस्तों फिट एंड फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसकी मैंने फुल शूटिंग वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो वुडन स्टॉक में थी, ये फाइबर स्टॉक में है, पर फाइबर स्टॉक की भी फिट एंड फिनिश इतनी ज्यादा अच्छी है ना। फिट एंड फिनिश दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा, मेरे को फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो नॉर्मल ब्रेक बैरल एयर राइफल, पैसे खोलते हैं यहाँ, पैलेट डालते हैं, फिर इसको शूट करते हैं, राइट। बंद करने के लिए शायद आपको बैल को यहां से प्रेस करना पड़ेगा ऐसे, इसको मैंने सिर्फ ऐसे उल्टा किया और ये देखो बैरल लॉक हो गया। लॉकिंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्प्रिंगर होने के बावजूद भी बहुत स्मूथ है एंड रिकॉइल भी बहुत मैनेजेबल और कम रिकॉइल है, ठीक है। बैरल राइफल्ड बैरल आता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर ये कैमो टेप मैंने चढ़ा रखी है फॉर एक्स्ट्रा ग्रिप, अगर ये ना हो तो ये भी बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर में आती है बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज एक्यूरेसी होने के लिए इसमें, ये देखो दोस्तों, इसमें फाइबर ऑप्टिक साइड्स दे रखी हैं जो रात को चमकती हैं। आगे फिक्स पोस्ट साइट है जो ऑरेंज कलर की है, पीछे रेयर फुली एडजस्टेबल साइट है जो ग्रीन कलर में आती है। ये देखिए दोस्तों ग्रीन कलर में आती है, बहुत ही ज्यादा सही चीज है ये। 11mm की रेल दे रखी है जिसपे कोई भी ऑप्टिक अटैच हो सकता है एंड ट्रिगर बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, सिंगल स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर, प्लस सेफ्टी भी दे रखी है। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉइंट इस गन का जो मुझे लगता है, जो इसकी यूएसपी भी है, वो इसका बैलेंस। दोस्तों इस साइज की एयरगन, इस पावर की एयरगन 3.5 से 3.5 किलो के होते हैं, इसका वेट सिर्फ 2.5 किलो है। इसकी फोटो मैंने खींची, मैं अटैच कर दूंगा। और बैलेंस देखो इसका दोस्तों, एक हाथ के ऊपर भी आराम से बैलेंस हो रही है, ना फ्रंट हैवी है ना बैक हैवी है, बिल्कुल वेल बैलेंस्ड एयरगन है। लेंथ ऑफ पुल भी बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत ईजी है इसको मनूवर करना। सिर्फ 2.5 किलो वेट है, तो अगर लॉन्ग टाइम तक आप कैरी भी करते हैं तो आप थकेंगे नहीं इसको कैरी करके, एक हाथ से भी बहुत आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। लेंथ वाइज भी नॉर्मल एयरगन इस पावर में आपको 44 से 46 इंचेस के बीच में मिलेगी, ये सिर्फ 43 इंचेस की है दोस्तों। उसकी फोटो भी मैंने खींच रखी है, मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा। ओवरऑल कोई रीजन है इसकी वजह से गैमो सारी दुनिया में खरीदी जाती है, बेची जाती है। एंड अगर आप अपनी असली गन का शौक इंडिया में पूरा करना चाहते हैं विदाउट अ लाइसेंस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लिए लाइसेंस की नीड नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप बाय कर सकते हैं। शूटिंग वीडियो मैंने इसकी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वुडन स्टॉक में थी, ये फाइबर स्टॉक में, और ये मेरी पर्सनल पीस है और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरी एयरगन है। एंड अगर आप मेरे से दो चीजें पूछेंगे स्किन को अच्छी लगती है, वो इसका बैलेंस, वेट एंड फाइबर ऑप्टिक साइड्स। ओवरऑल बहुत ही अच्छी एयरगन है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमें, ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं विद इन 7 days। लिंक्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर नॉट रियल फायरआर्म्स, दीज आर ओनली फॉर स्पोर्ट्स मूवी मेकिंग डेकोरेशन फोटोशूट पर्पसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे। हिंदी में भी बोलता हूँ, असली गन नहीं है, एयरगन है 177 कैलिबर की, इसको इंडिया में रखने के लिए यूज करने के लिए किसी भी टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों। बाय दोस्तों।